ये देख रहे हैं हैवी पुलिस पार्टी दिल्ली पुलिस की खड़ी है इधर, और इस तरफ इस क्रेन के पीछे किसान पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस का, जिसे पत्थर कटीले तार और लोहे की बैरिकेडिंग थी, उसको तोड़ के किसान आगे आ चुके हैं। हम आपको बता दें, हम कल रात से इस जत्थे के साथ सिरसा से चल रहे हैं। सिरसा से इन्होंने यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में चार बैरिकेड थे, जिसको पार करते हुए किसान सुबह यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद से हैवी पुलिस दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर इनको आगे बढ़ना देना नहीं चाहती। आगे देखिए ट्रक्स को बीच में रास्ते में रोका गया है, बीच से रास्ता रोकने के लिए ये क्रेन लगाए गए हैं। क्रेन से इनको किसानों के ट्रैक्टर आगे आने से रोका जा रहा है। किसान उधर बीच में पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनमें से कुछ किसान नेता जो इस तरफ आ चुके थे बैरिकेड पार करके पुलिस की, तो उनको हिरासत में लिया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मोदी को हम दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हमें जिस चाव से हमने इस कुर्सी पर बैठाया था इसको, उसी अब बहुत इसकी मनमानी हो चुकी है। अब हम और नहीं सहेंगे, क्योंकि आज हमारा पंजाब का किसान, हमारा हरियाणा का किसान, इसमें यह नहीं है कि अकेला किसान है, हम मजदूर भी सभी भाई साथ हैं। हमारी स्कीम वर्कर हैं जितने भी, सब इनके साथ हैं, समर्थन में खड़े हुए हैं। कल भी हमारे को सांपला टोल टैक्स पर रोका गया, हमारी गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, गाड़ियों में भर के ले जाया गया, लेकिन हमारे को उस टाइम पर रात को छोड़ा गया है। और अब इसकी मनमानी नहीं सहेंगे। जैसे हमारी ये जो राज्य कमेटी आई हुई है पंजाब की हरियाणा की, जो भी ये फैसला लेगी, बिल्कुल इनके हम तन मन धन से इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। ये तीन ये बिल पास किए, ये काले कानून है, ये बिल्कुल हमारे किसानों के हित में नहीं है। हालांकि किसानों के हित के भी नहीं, ये गरीब जनता को भी मारेंगे। अगर आज जो किसान अनाज नहीं उगाएगा, सब्जी नहीं उगाएगा, फल नहीं उगाएगा, तो ये देश वैसे ही सड़ के मरेगा। क्योंकि आप देखिए, जो ये पूंजीपतियों को इस खेती को भी सौंपना चाह रहे हैं, हमारी जितनी कंपनियां थी हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, हमारे देश के अंदर, पूरे भारत की नौरत्न कंपनियां इसने बेच दी हैं। इसको उन कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, ये कंपनियों के हवाले करके हमारा बिल्कुल मजदूर का, किसान का खून निचोड़ कर ये पीना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अब इस हरियाणा का, पंजाब का, हमारे बड़े भाई हमसे अब पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि 2006 के अंदर हम बिहार के अंदर देख चुके हैं इन कृषि कानूनों का क्या नतीजा हुआ है। यही हालत केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार, ये डिप्टी सीएम जो क्या कहता था कि मैं किसान का बेटा हूँ, संसद में ट्रैक्टर लेके गया था, पर आज जब हजारों लाखों ट्रैक्टर सड़कों पे है तो इनको दिखाई नहीं दे रहे। हम ये कहना चाहते हैं, जब किसान सिरसा पहुंचा, क्या बोला डिप्टी सीएम, मेरे को तो कोरोना हो गया। हमने कहा अभी कोरोना तेरे को नहीं हुआ, कोरोना थारी पूरी सरकार को हो रहा है, और अब देश का किसान ने करवट ले ली है। हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, बता देंगे, आज देश में पहली बार इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा है, पहली बार। मुर्दाबाद, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। मैं नीलम गुमान, जनवादी स्त्री सभा पंजाब की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और किसानों के समर्थन में हम औरतें इकट्ठिया होकर यहाँ पर आए हैं। हमें पानीपत, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वहाँ पर रोक लिया गया है। तो आज जो हमने फतेहगढ़ साहिब पंजाब से शुरुआत की इस जर्नी की, जगह जगह पर हमें रोका गया, शंभू बॉर्डर में भी रोका गया, पर हमारा जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और बस हम कल दिल्ली को घेरेंगे, ये हमारी योजना है। और सरकारें जितना मर्जी जोर लगा लें, लोक रोह, लोगों का जो रोष है उससे नहीं बच पाएगी अब भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार, जितना मर्जी जोर लगा लें। हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है, इसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात से ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमने आपको यही बताया था कि सोनीपत
डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर जो है हरियाणा में, वहाँ पर मल्टी लेयर्ड एक जो पुलिस की जो नाकाबंदी थी वो थी, जिसने पूरी रात किसानों को और उनके जो जत्थे थे जो पंजाब से आए थे उनको वहाँ पे रोक रखा था। परंतु सुबह हम ये देखते हैं कि वो जितनी भी मल्टी लेयर्ड बैरिकेटिंग थी पुलिस की, जिसमें कंक्रीट स्टोन स्लैब्स थे, जिसमें बैरिकेड्स थे, जिसमें कंटेनर्स थे, उन सब को लांघते हुए किसानों का जो जत्था है वो आगे बढ़ा। असी तो अपने मोरिंडा शहर तो चल के सानू बैरीकेड पै गया आके लालड़ू का, असी फिर लालड़ू बैरीकेड तोड़ के अगे लंघे, अगे आके सानू फिर संभाल के दा बैरीकेड पै गया, उत्थे सानू रात दे 12 बजे रुकना पै गया इन्हां ने, क्योंकि सड़क दे विच खाइयां पट्टियां होंदे सी, पत्थर सिटे हुए सी बहुत ज़्यादा सी, रात नू असी कुछ कर नहीं सी सकदे, सवेरे उठ के असी वह बैरीकेड भी तोड़ दिता है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी और जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने किसानों के साथ टॉक्स इनिशिएट करने का एक कॉल दिया था। और इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि आने वाली दिसंबर की 3 तारीख को भी जो पंजाब की जो किसान यूनियन है, 30 किसान यूनियन हैं, उनके साथ जो जो 31 जो हैं उनके साथ बात करने का ऑलरेडी एक शेड्यूल है। ये केंद्र का जो न्योता है बातें करने का, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखो किसान जथेबंदियां जड़ियां वा बड़े हौसले ना ते बड़ी सियाणप दे नाल आईयां वा, आगे गलबात दा तरीका चंगा अपनाउणा चाहुंदियां सी वी साडी बैठ के गलबात जड़ी मुक जावे, कोई जड़ी वी गलबात होंदी आ उह बैठ के होंदी आ, कोई लड़ाइयां झगड़िआं नाल कोई हल नहीं निकलदा। इस करके सरकारां ने जिहड़ा वा 2 वरां टाइम दे के ते छोटा मोटा जिहड़ा कोई सैकटरी वगैरह उहने आउणा ते आ के जिहदा किसानां नूं मजाक करीदा इहनां ने वापस चले जाणा। बाद दे विच फिर इन्हां ने होगा भी अपना प्रोग्राम रख्या 26-27 का, नरेंद्र तोमर जिहड़ा अपने होगा खेतीबाड़ी मिनिस्टर आ इन्हां ने भी समा दिता, तो इहो ही गल्लां दे भी तुहानूं समझ नहीं लगी जिहड़े कानून आ इन्हां बारे तुहानूं चंगी तरह समझाइए, असीं इह जथेबंदियां दीआं भी कानून बहुत खतरनाक आ।